हेलो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैस पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं अराइज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर कॉज बाय हार्ड रेडिएट बाय द सन दैट बिकेम्स ट्रैप बाय द ग्रीन हाउस गैसेज द इन सुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस दैट कीप्स द अर्थ टेम्परेचर अबाउट सिक्सटी फारानाइट और सिक्सटीन डिग्री सेल्सियस वार्मर then it would be otherwise however rising atmospheric concentration of the carbon dioxide and other greenhouse gases are predicted to cause global warming so basically greenhouse effect kya hota hai jab bhi earth ka temperature bahut zyada बढ़ जाता है ठीक है किसके वजह से जो greenhouse gas गैस होते हैं वो क्या करते हैं वो जो सन uh, की जो लाइट के जो रेडिएट्स होते हैं उनको वो अर्थ से रिफ़्लेक्ट बैक नहीं होने देते और उसको ट्रैप कर लेते हैं जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जो यूजुअल जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सो so, जो इसमें मेन है Rising atmospheric concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases are predicted to global cause global warming. So हमने अब क्या predict किया है? Global warming का जो main reason है वो क्या है? Carbon dioxide and greenhouse gases. ठीक है? अब देख लेते हैं greenhouse gas होते क्या हैं? Any gas that contribute to the greenhouse effect. जो भी gas greenhouse effect में contribute कर रहे हैं greenhouse gas effect के रीज़न हैं उनको हम उन गैसेस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं ठीक है गैशियज कॉन्सिक्यूंस ऑफ दी एटमोसफेयर बोथ नेचुरल एंड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी सो इनका जो ओरिजन है वो ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है देट आर ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन बट टू लॉन्ग वेव रेडिएशन ठीक है ग्रीन हाउस गैस कौन से हो सकते हैं जो सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होते हैं मतलब सोलर रेडिएशन उनसे आसानी से आ, आ जाता है बट जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन बनता है यानी कि जब अर्थ सरफेस से जब वो आ, स्ट्राइक करके एटमॉस्फेयर में वापस जाता है स्पेस में तब उस टाइम क्या होता है ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं ये उन लॉन्ग वेव्स के लिए क्या करते हैं ओपेक का, का काम करते हैं ठीक है यानी उनको जाने नहीं देते उनको ट्रैप कर लेते हैं इसकी वजह से जो है अर्थ का टेम्परेचर इनक्रीज होता है और ऐसे जो गैसेज हैं इसमें वाटर वेपर इज़ अ मोस्ट अबेंडेंट ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा जो सब कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वाटर वेपर का होता है एच टू ग्रीन हाउस गैसेज आर नेचुरल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस जो है ना ये एक नेचुरल पार्ट है एटमॉस्फेयर का जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है मीथेन है आ, इसका मीथेन का यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि कितने साल तक पर्सिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में तो नाइन टू फिफ्टीन इयर्स रहता है ये इसका पोटेंशियल है और ये ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल जिसका ट्वेंटी टू टाइम्स मोर है देन सी ओ टी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है मीथेन कार्बन डाईक्साइड के मुकाबले ट्वेंटी टू टाइम्स मोर वार्मिंग करता है ठीक है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये प्रोसेस करता है वन ट्वेंटी ईयर्स के लिए एंड हैज़ जी डब्ल्यू पी ऑफ थ्री हंड्रेड टेन और एंड टू जो है ना इसका सबसे इससे मीथेन से भी जाता है देन ओजोन ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है इसके बाद हाइड्रोफ्लोरो कार्बन पर फ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको ये सारे नाम आप याद रखना ग्रीन हाउस गैसेस के प्लस इनका जो परसिस्टेंस है कितने साल तक रह सकते हैं एटमॉस्फेयर में प्लस इनका जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल है वार्मिंग पोटेंशियल आपको ये भी याद रखना है इससे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है सो आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू